नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ममता। आइए आज आप सभी लोगों को एक अच्छी सी रेसिपी बनाकर दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम आप सभी को रेसिपी बना के दिखाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने एक बड़ी कटोरी से एक कटोरी मैदा को ले लिया है और एक कुछ रिफाइंड ऑयल मैंने ले लिया है और ये थोड़ा सा मैं शक्कर ले ली हूँ। बस इतनी सी सामग्री में हम आप सभी को रेसिपी बना करके दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो में इसी तरह बने रहिए। अब मैदे में हम रिफाइंड ऑयल को इस तरह डाल के अच्छी तरह से इसमें मैन दे लेते हैं। ज़्यादा हम रिफाइंड ऑयल नहीं डालेंगे, हम इसको अच्छी तरह से इस तरह मैन दे लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हम अच्छी तरह से मैन देके उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मैदे में मैंने मैन अच्छी तरह से दे दिया है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह ढोका बन रहा है। इसका मैन का ये पहचान होता है। और ये मैं नमक थोड़ा सा ले ली हूँ इसमें। आप चाहे तो नमक डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और इसमें मैंने नमक को अच्छी तरह से मिला लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से गूंथ लूँगी इस तरह। मैं अच्छी तरह से गूंथ के उसके बाद आप सभी को दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं हमने आटे को गूंथ के, मैदा को हमने अच्छी तरह से गूंथ के इस तरह तैयार कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब इसमें हम एक चौकी पर इस तरह बेलन और चौकी ले करके इसकी लोई बना लेते हैं इस तरह। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हम लोई बना के इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं इस तरह हम लोई बना लिए हैं। और इसको बेलन की सहायता से इस तरह आप बेल लेंगे। और इसे याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा मोटा ही रखेंगे, हम एकदम पतला नहीं करेंगे इस तरह से। इस तरह आप लोग देख सकते हैं मैंने बेल लिया है और इसको चाकू की सहायता से इस तरह आप जिस शेप में चाहें उस शेप में काट सकते हैं। इस तरह मैंने काट दिया और इधर से इस तरह तिरछा से मैं काट दूंगी। इसी तरह मैं सारा काट के तैयार करके उसके बाद आप सभी को दिखाऊंगी। इस तरह हमने सारा बना के रख लिया है और इसको इसी शेप में हमने काट दिया है। आप लोग इस तरह देख सकते हैं कि मैंने सारा बना करके रख दिया है और इसको एक एक करके मैं इसमें निकाल देती हूँ इस तरह। इस तरह मैंने सारा बना के रख लिया। अब हम चलते हैं कढ़ाई आग को जला। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हमने चूल्हे को जला लिया है और इधर कढ़ाई में हम डाल देते हैं तेल को। इस तरह तेल को डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक। आप लोग देख सकते हैं इधर हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके डाल देते हैं। हमको ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, स्लो ही गर्म चाहिए। आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे गुलगुला छोड़ रहा है। और इस तरह हम पूरा डाल लेते हैं उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हमने इसमें एक घन पूरा डाल लिया है और इसको हम चला देते हैं धीरे से। चला के देखते हैं अभी। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हमारा बन रहा है कुछ इस तरह से। पूरी तरह से हम लाल हो जाएगा उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे।
आप लोग देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और जब तक कड़ा ना हो तब तक तलना चाहिए। इधर बारिश हो रहा है इसलिए तेल खटक रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरह पूरा तल के आप सभी को दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हमारा सारा जो है बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम निकाल देते हैं सारा, इसी तरह हम निकाल देते हैं और निकाल के हम तेल को खाली कर देते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। देख सकते हैं हमने तेल को निकाल दिया है। अब इसमें हमने जो शक्कर लिया था इसको भी डाल देती हूँ और इसमें मात्र थोड़ा सा पानी डालूँगी, इस तरह थोड़ा सा पानी डाल के और इसको हमें अच्छी तरह से इस तरह पका लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह तब तक पका लूँ जब तक चीनी मेरी पूरी अच्छी तरह से गल ना जाए। आप लोग देख सकते हैं इस तरह मेरा पक रहा है और अब इसमें सारा हम ये जो हमने शक्कर पारा बना के रखा था इसको इसी में डाल देते हैं और डाल के अच्छी तरह से चला लेते हैं। तब तक हम चलाएंगे जब तक कि सूखा ना हो जाए, फिर उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। देख सकते हैं इस तरह हम चलाते चलाते इसको पूरा अच्छी तरह से सूखा कर लिए हैं। इस तरह आप लोग देख सकते हैं इस तरह हमने अच्छी तरह से इसको सूखा कर लिया है और अभी हम आपको इसको सर्व करके दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने सारे शक्करपारे को बना के तैयार कर लिया है। इस तरह आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत कम सामान में बहुत जल्दी ही बन जाता है। और आप लोग को मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए पूरा अच्छी तरह से हो चुका है। और इसकी खासियत ये है कि आप एक बार बनाएंगे और इसको भर के रख देंगे तो आप महीनों भर भी खाएंगे तो भी ये ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छा है ये चीज़। तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को आगे बढ़ाइए।